टूडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से जिसमें हमने आपसे पूछा था प्री 2030 थर्टी एम्बिशन किस से संबंधित है आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए यूएनएफसी ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच ऑप्शन सी विश्व बैंक या फिर ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यूएनएफ सी 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 तो व्यूअर्स आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कॉप ट्वेंटी सेवन में प्री ट्वेंटी थर्टी एम्बिशन आरोप मंत्री स्तरीय उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया इसलिए विकल्प ए सही है कॉप ट्वेंटी सेवन के दौरान मिश्र के शर्मल शेख में प्री ट्वेंटी थर्टी एम्बिशन पहला वार्षिक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया ये 2030 से पहले शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन पर वैश्विक दिशा निर्धारित करने में मदद करने का एक अनूठा अवसर था इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक समुदाय को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है इस तरह इस प्रश्न का से उत्तर है विकल्प ए यू एन एफ सी 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 चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कार्बन बजट 2022 किससे संबंधित है कॉप ट्वेंटी सेवन कॉप ट्वेंटी सिक्स पेरिस समझौता या फिर संरक्षण अंतरराष्ट्रीय इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कॉप ट्वेंटी सेवन कार्बन बजट 2022 ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है ये रिपोर्ट शर्मल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सत्ताईसवे सम्मेलन यानी कॉप ट्वेंटी में जारी की गई। इसलिए विकल्प ए सही है इस रिपोर्ट की माने तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मामूली रूप से बढ़ने वाला है इसका अनुमान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्सर्जन में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज करेगा भारत में उत्सर्जन में छह प्रतिशत सीमा की वृद्धि का अनुमान है जो मुख्य रूप से कोयले के उत्सर्जन में पांच प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कॉप ट्वेंटी सेवन चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है इस संविधान के भाग तीन में निहित हैं कथन दो है ये ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है उपरोक्त तो कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक कथन ही सही है चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद बारह से पैंतीस में किया गया है इसलिए कथन एक सही है इस संबंध में संविधान के निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान यानी बिल ऑफ राइट से प्रेरणा प्राप्त की इसलिए कथन दो सही नहीं है संविधान के भाग तीन को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी अन्य देश के संविधान में पाए जाने वाले अधिकारों की तुलना में अधिक विस्तृत है आपको बता दें कि ये अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देते हैं इसलिए विकल्प ए सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए यानी केवल एक कथन ही सही है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यू ऑन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रेल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय या फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रेल मंत्रालय हाल ही में रेल मंत्रालय ने गैर उपनगरीय खंडों के लिए यू ऑन मोबाइल ऐप पर 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है इसलिए विकल्प बी सही है साथ ही उपनगरीय क्षेत्रों में दूरी बढ़ाकर पांच किलोमीटर कर दी गई है जो पहले दो किलोमीटर थी आपको बता दें कि पहले से पर गैर उपनगरीय खंडों में यात्रियों को पाँच किलोमीटर तक की दूरी के लिए अनारक्षित टिकट बुक करने की अनुमति थी इस तरह इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी रेल मंत्रालय चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 यानी आई 2022 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यह मेले का इकतालीसवा संस्करण है इसमें बिहार झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं इसमें उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं या फिर यह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है यह कथन जो है सही नहीं है चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी आई के इकतालीसवे संस्करण का उद्घाटन किया आई के संस्करण में भारत और विदेशों से लगभग पच्चीसों प्रदर्शक भाग लेंगे यह तिहत्तर हजार वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में आयोजित किया जा रहा है इस वर्ष बिहार झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। आपको बता दें कि लेह लद्दाख इस वर्ष पहली बार भाग ले रहा है इसमें अफगानिस्तान बांग्लादेश बहरीन बेलारूस ईरान नेपाल थाईलैंड तुर्की यूएई, यूके सहित 12 देशों के विदेशी प्रदर्शक भी शामिल होंगे यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी आई द्वारा आयोजित किया जाता है इसलिए विकल्प डी सही है इस तरह उस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी यह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है ये कथन गलत है बाकी सभी कथन जो है सही है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में चर्चित सी विजिल ट्वेंटी टू क्या है हिंद महासागर में सिंगापुर के साथ समुद्री अभ्यास फ्रांस की सहायता से पंडुबी विकास परियोजना इसराइल की सहायता से स्टिल्थ कार्बेट परियोजना या फिर भारतीय तटरक्षक बल के साथ भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय तटरक्षक बल के साथ भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हाल ही में सीविजल 22 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ इस अभ्यास की अवधारणा 2018 में 26 ग्यारह के मुंबई हमले के बाद से समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से पेश की गई थी इसे भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी ई जेड को कवर करते हुए देश की सात किलोमीटर की तटरेखा के साथ किया जाएगा इसमें तटीय समुदायों सहित सभी तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य समुद्री हितधारकों को भी शामिल किया जाएगा ये भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और समुद्री गतिविधियों से संबंधित मंत्रालयों के समन्वय में आयोजित किया जा रहा है इसलिए विकल्प डी सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी भारतीय तटरक्षक बल के साथ भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में ग्लोबल शील्ड शब्द चर्चा में था यह किससे संबंधित है जी सेवन जी ट्वेंटी नाटो या फिर एस इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जी सेवन हाल ही में कॉप ट्वेंटी सेवन शिखर सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए जी सेवन के नेतृत्व वाली ग्लोबल शील्ड नामक योजना शुरू की गई है इसलिए विकल्प ए सही है ग्रुप ऑफ सेवन यानी जी के अध्यक्ष जर्मनी और जलवायु संवेदनशील देशों के बलनेबल ट्वेंटी यानी वी ट्वेंटी समूह द्वारा समन्वित है इस योजना का उद्देश्य बाढ़ सूखा और तूफान जैसी घटनाओं के बाद तेजी से बीमा और आपदा सुरक्षा निधि प्रदान करना है ये जर्मनी से 170 मिलियन यूरो और डेनमार्क व आयरलैंड सहित अन्य दाताओं से 40 मिलियन यूरो के वित्त पोषण द्वारा समर्थित है बांग्लादेश कोस्टारिका फिजी घाना पाकिस्तान फिलीपींस और सेनेगल को ग्लोबल शील्ड पैकेज के शुरुआती प्राप्तकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जी सेवन चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में फुगड़ी क्या है ओडिशा का लोक संगीत तुलू लोगों का साहित्य गोवा का लोक नृत्य या फिर असम का मुखौटा नृत्य इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो गोवा के कोंकण क्षेत्र में किया जाता है इसलिए विकल्प सी सही है यह नृत्य विभिन्न धार्मिक और सामाजिक अवसरों के दौरान आयोजित होता है आमतौर पर अगस्त तो और सितंबर में की जाने वाली फुगड़ी में महिला नृत्य मंडलियां या पंक्तियां बनाती है यह नृत्य धीमी गति से शुरू होता है और धीरे धीरे गति प्राप्त करता है गायन स्वयं नृत्यो द्वारा बिना किसी संगीत संगत के किया जाता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोवा का लोक नृत्य अगला प्रश्न है इन आवर लाइफ टाइम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक है इसे इंडोनेशिया द्वारा कॉप ट्वेंटी सेवन से यू एन एफ सी 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 में लॉन्च किया गया है कथन दो है इसका उद्देश्य युवाओं को स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक कथन जो है वो सही नहीं है एक्सप्लेनेशन से बात को समझते हैं हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यू के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय यानी एन ने संयुक्त रूप से इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया इसे कॉप ट्वेंटी सेवन के दौरान इंडिया पवेलियन में एक साइड इवेंट में लॉन्च किया गया था इसलिए कथन ए सही नहीं है इसका उद्देश्य 18 से तेईस वर्ष के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली का संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है इसलिए कथन दो सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए जो कि सही नहीं है बल्कि कथन दो एकदम ठीक है यह अभियान जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पर बातचीत में अधिक युवाओं को शामिल करेगा साथ ही उन्हें दुनिया के नेताओं के साथ अपनी चिंताओं मुद्दों और समाधानों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा इस तरह प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए यानी केवल एक कथन जो है वो सही नहीं है चलिए हम पहुंच गए हैं आज के एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर तो आखिरी प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी सी सी पी आई ट्वेंटी थर्टी किसने जारी किया है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच ऑप्शन सी जर्मन वॉच या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जर्मन वॉच हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकाई ट्वेंटी थर्टी में तिरसठ देशों में से आठवें स्थान पर पहुंच गया यह सूचकांक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है इसलिए विकल्प सी सही है इसकी रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इसके पहले तीन स्थानों को खाली छोड़ा गया है क्योंकि कि किसी भी देश ने समग्र उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है डेनमार्क चौथे स्थान पर है उसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान है जबकि ईरान तिरसठवें सऊदी अरब बासठवें और कजाकिस्तान इकसठवें स्थान के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश रहे हैं इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जर्मन वॉच चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं तो अभ्यास प्रश्न है शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 बी में शामिल किया गया है ऑप्शन बी केवल प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है ऑप्शन सी इसे 2002 के पिचासीवे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है या फिर ऑप्शन डी यह 6 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ तब तक के लिए शुक्रिया